जैसा कि श्री राम जी जब अपने जीवन का 14 साल का वनवास काट के जब अयोध्या वापस आए थे, या फिर आप कह लीजिए अपने जब जीवन का उन्होंने अंधकार काट के जब वो उजाले में आए थे, तब अयोध्यावासी ने उनका स्वागत करने के लिए पूरी अयोध्या को दीपक से जगमगा दिया था। तो उसी के तर्ज पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी देशवासियों से आग्रह किया है कि हम सभी लोग रात के 9:09 तक दीपक जलाएं। अगर दीपक नहीं है तो कैंडल जलाएं, कैंडल भी नहीं है तो टॉर्च जलाएं, टॉर्च भी नहीं है तो अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट जलाएं। उन्होंने ये आग्रह इसलिए किया है कि जो भी लोग कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, इस समय सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से जो पीड़ित हैं वो हैं हमारे गरीब, क्योंकि बेचारों गरीबों की ज़िंदगी छिन चुकी है, उनकी रोज़मर्रे की ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, उनका रोज़गार उनसे छिन गया है, या फिर आप कह लीजिए कुछ मज़दूरों का तो उनका घर भी उनसे छिन गया है। तो इसी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ये लोगों से आग्रह किया कि हम सभी लोग दीपक जलाएं और उन लोगों को एहसास कराएं कि वो अकेले नहीं हैं, या फिर आप कह लीजिए हम लोग अकेले नहीं हैं इस कोरोना वायरस की लड़ाई में, इस कोरोना वायरस की जंग में हम सभी लोग एक साथ हैं। भारत की एकता को दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को लाइट बुझाने के लिए और 9 मिनट के लिए दीपक, कैंडल, टॉर्च, अगर सब नहीं है तो मोबाइल का फ्लैशलाइट जलाने के लिए आग्रह किया। लेकिन इसके पीछे भी कुछ लोग राजनीति करने से पीछे नहीं हटे, और कुछ ऐसे कलाकार भी हैं, कुछ ऐसे राइटर हैं जिन्होंने अपनी तुच्छ बातों से ये जो भारत की एकता को दर्शाने वाली चीज़ थी उसको पॉलिटिकल एजेंडे में बदल दी। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं उन्हीं लोगों के बारे में बात करने वाली हूँ। ट्विटर पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, हम लाइट नहीं बुझाएंगे का मतलब क्या है, कौन कौन इसको समर्थन कर रहा है। मैं आपको सबसे पहले लिए चलती हूँ शाहिला राशिद के ट्विटर हैंडल पे। शाहिला राशिद ने कहा, ना मेरे पास टॉर्च है, ना मेरे पास मोमबत्ती है, और मैं शायद 9 बजे अपना खाना पका रही हूँ। तो शाहिला राशिद जी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी, आपके राष्ट्रभक्त होने पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। शायद आपको जब भारत माता की जय बोलने में तकलीफ होती है तो शायद आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात मानने में भी तकलीफ होगी। तो शाहिला राशिद जी, हमारे प्रधानमंत्री ने ये बात देशवासियों के लिए कहा है, 130 करोड़ जनता से बोला है। आप जैसे पाकिस्तान प्रेमी से इस बात की आग्रह उन्होंने नहीं करी, अगर आपको नहीं जलाना है आप मत जलाइए, अपना खाना पकाइए, जिस खाने को बनाने के लिए आपको पाकिस्तान से फंडिंग आती। अब मैं आपको अनुराग कश्यप का ट्वीट सुनाती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। अनुराग कश्यप ने कहा, मेरा एक सवाल था कि ये मोमबत्ती और दिए कहाँ मिलेंगे, दवा की दुकान पे या फिर राशन की सब्जी की दुकान पे? अगर ये भी ज़रूरी सामान में आते हैं और नहीं मिले तो क्या मैं दुनिया को जला सकता हूँ? तो उनकी नफ़रत को देखिए आप, अनुराग कश्यप जी आप एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं लेकिन आपकी नफ़रत और आपकी जो सोच है वो बहुत तुच्छ है। भारत के प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है क्योंकि वो भारत की एकता को दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। जिनका मनोबल इस कोरोना वायरस की आपदा के समय टूट रहा है उनके मनोबल को जोड़ना चाहते हैं। आपका एक भी रुपए का फंड, आप कह लीजिए एक भी रुपए का आपका मदद भारत के गरीबों के लिए तो नहीं आता है, लेकिन आपके जो कड़वे बातें हैं, आपकी जो जहरीली बातें हैं वो ज़रूर लोगों के सामने आप भारत के प्रधानमंत्री के लिए बोलते हुए पीछे नहीं हटते हैं। प्रशांत भूषण ने तो एक अलग ही तरीका ले निकाला पीएम नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करने को, उनको शर्मिंदा करने के लिए, जो उन्होंने बात बोली है लोगों से 9:09 तक दिया जलाने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर भारत एक साथ इतनी तादाद में लाइटें बुझाएगा, पावर कट करेगा, तो शायद ग्रिड फेलियर हो सकता है। अब आपको समझाते हैं ग्रिड फेलियर का मतलब क्या होता है। ग्रिड फेलियर का मतलब होता है कि अगर एक साथ बहुत ज़्यादा तादाद में पावर कट होता है तो शायद उस पावर को वापस से उठाने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, जिससे कि सिस्टम खराब हो जाता है। लेकिन इस बात को नकारते हुए पावर मिनिस्ट्री ने कहा, ये सारी अफवाहें हैं, प्रधानमंत्री जी ने खाली लाइट बुझाने के लिए कहा है, टीवी, फ्रिज, एसी, लिफ्ट जैसी चीज़ों का उन्होंने बंद करने को नहीं कहा है। तो प्रशांत भूषण जी, अगर आप टेक्निकल बात कह भी रहे हैं तो अपनी टेक्निकल बातों को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा उनमें मुद्दा रखना, थोड़ा उनमें फैक्ट्स रखना भी सीख जाइए। आप इतने बड़े वकील हैं, आपसे इस गलती की उम्मीद नहीं थी। और तो और, शशि थरूर ने भी इस बात की निंदा करी है कि प्रधानमंत्री जी ने 9 बजे ही क्यों लाइटें बंद करने के लिए बोला है, 9 बजे ही क्यों दीपक जलाने के लिए बोला है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में कहा, ट्वीट करके उन्होंने कहा, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, जानबूझ करके प्रधानमंत्री जी 9 पर जोर दे रहे हैं क्योंकि हिंदू संस्कृति में 9 एक पवित्र नंबर माना जाता है और वो लोगों के ऊपर हिंदू
संस्कृति को थोपना चाहते हैं। तो सोचिए किस लेवल तक लोग जाकर के उनकी निंदा कर रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ वीके वेणु जो कि द वायर वेबसाइट के एडिटर हैं, जिन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री 9 बजे 9 मिनट के लिए दीपक जलाने को कह रहे हैं, अगर वो जो मजदूर जो गरीब लोग अपना घर छोड़ करके जो बेरोजगार हो चुके हैं उन लोगों को रोजगार, उन लोगों को किसी तरीके की मदद देंगे तो शायद हमेशा के लिए दीपक और कह लीजिए रोशनी जगमगाती रहेगी। तो शायद वीके वेणु जी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि शायद केंद्र सरकार ने 1.7 लाख करोड़ का राशि लोगों को गरीब लोगों के लिए अदा की है, उन लोगों की मदद करने के लिए 1.7 लाख करोड़ की राशि आवंटित की है। और तो और अलग अलग राज्य के राज्य सरकारें भी अपने अपने राज्य के गरीब मजदूरों के लिए सोच रही हैं, अलग अलग तरीके की कदमें उठा रही हैं, फिर चाहे वो योगी जी हों जिन्होंने 27 लाख मजदूरों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेजा है, और दिल्ली सरकार ने 4 लाख लोगों को रोज खाना खिलाने और रैन बसेरों में रहने का भी इंतजाम किया है। ये तो मैंने आपको जितने फेमस लिबरल गैंग के लोग हैं उनका ट्वीट पढ़ के सुनाया कि उनका क्या कुछ विचार है जो नरेंद्र मोदी जी ने भारत की एकता को दर्शाने के लिए लोगों को मोमबत्ती दीपक टॉर्च और मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाने को बोला है उसके ऊपर। और तो और मैं आपको और भी लोगों का ट्वीट दिखाती हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा निंदा की है प्रधानमंत्री की इस बात की। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के क्या कुछ प्रोग्राम है आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए। शायद आप लोगों को भी अपने घर के आगे निकल करके दीपक, अपने घर के आगे नहीं निकल करके बालकनी में खिड़की के सामने गेट के सामने खड़े होकर के दीपक अगर वो नहीं है तो टॉर्च, अगर वो भी नहीं है तो फ्लैश लाइट जला करके प्रधानमंत्री जी की कही बात का ज़रूर से ज़रूर मान रखना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे और वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।